टोबैको हार्म रिडक्शन पॉलिसीज आई हैं उससे बड़े फायदे हुए हैं स्वीडन और यूरोपियन कंट्रीज हैं उनने ये चीज क्यों अडॉप्ट की है और स्टडी में क्या बताया गया कि एडवांटेजेस स्वीडन एंड व्हाट दे डिड वाज दे गिव बेटर हेल्थियर ऑल्टरनेटिव टू बर्निंग टोबैको लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनको अगर आज क्विट कर दें तो उनको फायदा है तो वो जो बैन है वो इंडिया में क्यों लगा इंडिया ने ऑब्वियसली आर री एवेल्यूटिंग एज वेल बट दे एट इट डिफरेंट उन्होंने कहा कि जी हमें को कंप्लीट खत्म करना है सिर्फ हमें ऑल्टरनेटिव नहीं देना हमारा तो चू भी किया जाता है खाया भी जाता है हमारा स्मोक भी किया जाता है एंड अगेन यू वर ऑन डेली वेजिस एंड योर इनकम वॉज वेरी लो इफ द गवर्नमेंट वॉज जस्ट इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ स्मोकिंग विदाउट गिविंग यू ऑल्टरनेटिव टू स्विट स्मोकिंग हाउ वुड यू फील असलम एवरी वन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड हाउ डज़ इट वर्क अ पॉडकास्ट बाई प्रो पाकिस्तानी आज हमारी बहुत इंटरेस्टिंग अपिसोड है uh, प्रीवियस पॉडकास्ट में भी हमारी कानवर्सेशन हुई है अबाउट कुटिंग स्मोकिंग एज यू नो के आई एम स्मोकर एंड आई एम लुकिंग टू क्विट तो एक इंटरनेशनल uh, स्टडी हुई है टोबैको हार्म रिडक्शन के बारे में uh, जिसपे डॉक्टर बास साहब ने काम किया है एंड वी वॉन्ट हैव अ कानवसेशन रिगार्डिंग दैट सो फर्स्टली तो थैंक यू सो मच डॉक्टर बास फो बींग पॉडकास्ट थैंक यू वेरी मच फॉर इन् हमें थोड़ा सा समझाएं ये रिसर्च है क्या टोबैको uh, हार्मशन का मतलब क्या है एंड हाउट मेक डिफरेंस टू समाइक मी जो सिगरेट पीता है देखो शाह इज वेरी इम्पोर्टेंट टू नो कि वेन वी टॉक अबाउट स्मोकिंग एंड वेन वी टॉक अबाउट स्मोकिंग दवाई आप स्मोकिंग करते हो नहीं करनी चाहिए लेकिन अगर करते हो तो उसको बंद किसना करना है ताकि इसको कॉम्प्लिकेशन को रोका जा सके ये एक पूरा टॉपिक है ये कह देना कि सिर्फ अगर आप स्मोकिंग करते हो और मैं आपको इसी वक्त कहूँ कि जी स्मोकिंग छोड़ दो आप ये करेंगे इट्स नॉट लाइक अ स्विच कि आपने स्विच ऑफ किया आपकी स्मोकिंग बंद हो गई नाउ यू हैव ऑल द बेनिफिट आई थिंक आजकल के जमाने में अगर हम इस टॉपिक पे बात करें कि स्मोकिंग इज बैड फॉर यू वी ऑल नो दैट देर इज अ साइंटिफिक डेटा टू सपोर्ट कि स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर यू बट देर द प्रॉब्लम इज कि आजकल के जमाने में भी देर आर अबाउट एट मिलियन पीपल डाई बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्मोकिंग उनको तो हमने किसी तरह रोकना है ना मतलब वी आर टेलिंग देम वी आर टेलिंग पीपल देखिए आई क्लिनिशियन आई एम अ डॉक्टर आई सी पीपल जिनको um, um, जिनको बंदों को जिनको डायबिटीज होती है जिनको हार्ट प्रॉब्लम होती है जिनको um, कैंसर का रिस्क होता है उनको हम कहते रहते हैं कि भाई स्मोकिंग छोड़ दें वी कैन वी कैन ट्राई हेल्पिंग यू कुट स्मोकिंग लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ट्रांसपायर नहीं होता इन टू एक्शन दे स्टिल स्मोक वो कहते हैं जी ठीक है जी मुझे पता है रिस्क रिस्क है टेकिंग कैलकुलेटेड कैन नॉट स्मोक सो आई थिंक जो इंपॉर्टेंट बात बिफोर वी स्टार्ट एंड किक स्टार्ट द प्रोग्राम इज कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि टोबैको जो आप सिगरेट पी रहे होते हो जला के उसके कोई हार्म

मुझे एक बात बताएँ मैं आपने बड़ी स्पॉट ऑन बात की है आई एम अ स्मोकर मुझसे नहीं छुट्टी जाती ना फॉर वट एवर रीज़न आई ऑलवेज़ जस्टिफाइड इन माई माइंड कि नहीं यार ठीक है एक चीज़ ऐसी जाने दो एक्सेट्रा अच्छा जो ये रिपोर्ट है और ये हार्म रिडक्शन की बात है आर वी सिंह पर्टिकुलरली एक तो इसमें चीज़ें क्या आती हैं थोड़ा सा अगर हमें ये समझा दें वट इज़ वट वाट आर द प्रोडक्ट्स फिर मुझे ये थोड़ा सा आइडिया दे, दे दें कि इससे क्या देर कम्प्लीटली सेफ़ मतलब मिसाल के तौर पे जो मुझे समझ आती है हार्म रिडक्शन में आपकी ये वेपिंग होती है और आपके वो जो क्या कहते हैं हीटेड टबैको होता है और और वो उसको क्या कहते हैं मॉडर्न औरल निकटीन पाउचेज ये चीज़ें क्या बिल्कुल मतलब मेरी मेरी मेरे हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं या नहीं हार्मफुल हैं और ये स्टडी एग्जैक्टली exactly है क्या और क्या क्या बताती है हमें आई थिंक ये सवाल आपका बहुत वैलिड बनता है कि जी वाकई में क्या मतलब मतलब अगर मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव दे रहा हूँ तो क्या इट इज कंप्लीटली ऑनेस्टली आई डोंट हैव द्लियर कट आंसर फॉर दैट बट आई टेट मी स्टार्ट वाई सेलिंग यू एन एग्जाम्पल विच इज प्रॉबली नॉट रिलेटेड टू स्मोकिंग बट समथिंग एल्स सो फॉर एग्जाम्पल आइडियली तो देश वे टू टेक केयर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम स्टॉप इट so one point you stop it you don't need to take it आपको मसला ही नहीं ना आप ही नहीं करते आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होती यूरोल फाइन ये वही एग्जाम्पल है कि जिस तरह अगेन मैं Probably not relevant example आप आपकी कोई जिनसे लोग नीचे उतरते हैं और उससे एक दो जगह ऐसी बट अभी भी कोई एक ऐसा नजर जिसकी कमजोर है कोई बंदा आता है जो सीढ़ी से नीचे गिर जाता है तो आप क्या करोगे उसके ऑल्टरनेटिव देखोगे और एक देखोगे कि आप जहाँ पे वो गिरता है वहां पर कुशन रख दोगे ताकि गिरे तो चोट ना लगे तो क्या इसका ये मतलब है कि उधर गिरने से कोई चोट नहीं लगेगी या कुछ होगा नहीं बट अगेन मे बी देर इज स्मोकिंग सिचुएशन में भी द ऑप्शन एंड दी नोट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि जिस तरह आपने अपनी एग्जाम्पल देखे मेरी थोड़ी सी जिंदगी आसान भी कर दी थोड़ी सी जिंदगी मुश्किल भी कर दी आसान कर दी इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जब मैं कहता हूं कि स्मोकिंग से बुरे असर होते हैं स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है स्मोकिंग से किडनी पे डैमेज होता है फिर स्मोकिंग से ये होता है आप कहोगे यार ये तो मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी हूं मुझे पता है फिर मैं कहता हूं यार छोड़ क्यों नहीं देते कहीं तो छोड़ ही नहीं जाती सो so, दिस रिपोर्ट इज एग्जैक्टली वैक एक्चुअली आप मेरे लिए बहुत जिंदगी आसान इसलिए हो गई क्योंकि मुझे आपको आप यू कैन रिलेट टू योर सेल्फ एंड पीपल कैन रिलेट टू इट कि आपको अगर स्मोकिंग कर रहे हो तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर गिरो तो आपको कम से कम चोट लगे अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो वी गिव यू देर शुड भी ऑल्टरनेटिव और ये हमारे लिए नई बात नहीं है नाइकिन कोट फ्यू प्लेसिजहा लोगों को ऑल्टरनेटिव दिया जाए तो वहां पे स्मोकिंग भी कम हुई स्मोकिंग से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन भी कम हुई एंड दैट एक्चुअली हेल्प यू टेक केयर ऑफ योर सो इट्स नॉट हार्म इट्स द हार्म रिडक्शन इन विच वी आर गिविंग विद बी ऑप्शन जहां पे अगर आप कमिटेड हो कि जी मैंने नहीं छोड़ना तो विद बी वेस्ट टू हेल्प यू ट्रेड दैट वॉटर्स जिसे कहते हैं ना आपको उस डायरेक्शन में लिया जाए जहां पर आपको इसमें उसकी हेल्प किया जा सके अच्छा सर इसी इसी रिपोर्ट का कुछ ऐसा भी बताया जा रहा था कि यार यूरोप में और स्वीडन में बहुत सारी जो टोबैको हार्म रिडक्शन पॉलिसीज़ आई हैं उससे बड़े फ़ायदे हुए हैं यूरोप में क्या फ़ायदे हुए हैं पाकिस्तान में क्यों नहीं वो फ़ायदे हो रहे और मुझे ये भी थोड़ा सा समझाएं कि अब जिस तरह लेट से स्वीडन और यूरोपन कंट्रीज़ हैं उनने ये चीज़ क्यों अडोप्ट की है और Uh, कोई स्टडी में क्या बताया गया कि व्हाई व्हाई इज इट बिन एडवांटेजेस देखिए नंबर वन इसमें इसको इसका हमें जिस मैंने पहले कहा था हमें इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा मुख्त स्टेप्स के ऊपर नंबर वन जो कि लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनको अगर आज क्विट कर दें तो उनको फायदा है अगर वो आज क्विट नहीं करते तो कंट्रीज लाइक स्वीडन एंड जापैन वट दे डिड वॉज दे गिव बेटर हेल्थियर ऑल्टरनेटिव टू बर्निंग टोबैको एक हो गया दे इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिटेक्ट द लंग कैंसर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ लंग कैंसर सो इन दोनों चीजों को अगर उन्होंने कंबाइन किया दे गॉट द बेस्ट रिजल्ट इन नॉट ओनली पीपल हु स्टार्टेड क्विटिंग एंड लूजिंग लेसर हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो लेसन लर्न करना है फ्राम पाकिस्तानी परस्पेक्टिव हमें कुछ ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिनकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि ना सिर्फ जो इस वक्त हमने आगे स्मोकिंग जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनको कम करना है एग्रीड लेकिन जो स्मोकिंग लोग कर रहे हैं जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा कि यू स्मोक उनको हमने किस तरह रिडक्शन करनी है कि उनको हार्म ना हो आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट ताकि उनकी हार्म को उनके जो भी हार्म हो उनको हम लेसन कर सकें एन ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी कैन रिड्यूस द बर्डन ऑफ डिजीज प्रीमिच्योर डेथ्स एज वेल एज लंग कैंसर रिस्क इन दीज इंडिविजुअल्स अभी उसी स्टडी में हमारी बात हुई थी थोड़ी देर पहले अबाउट पाकिस्तान साउथ अफ्रीका आई थिंक उस स्टडी में थी या बंगलादेश भी थी और दो तीन और मुल्क थे और बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग बेनिफिट कर सकते थे इससे बच सकते थे आपने एक फिगर भी दिया था ऑफ आई डोंट रिमेम्बर कुछ मिलियंस ऑफ लाइव पाकिस्तान के अंदर मेरा सवाल ये है कि इस रीजन में हमारे जो पड़ोसी हैं इंडिया उनने एक आ, बैन लगाया है टू टू माई अंडरस्टैंडिंग इसी इसी टबैको हार्म रिडक्शन प्रोडक्ट्स पे जो ये आपकी यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टबैको प्रोडक्ट्स हैं तो वो जो बैन है वो इंडिया में क्यों लगा आ, और क्या एज़ अ डॉक्टर आपको ख्याल है कि पाकिस्तान को भी वही बैन क्यों नहीं लगाना चाहिए और उनने क्यों लगाया आई थिंक इट्स बहुत अच्छा सवाल बिकॉज अनलेस यू नो द ग्राउंड रियलिटीज ऑफ एनी नेशन यू नीड टू यू कैन नॉट मेक अ जजमेंट ऑफ इट एंड आल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ इट बिफोर आई कम टू एनी अदर कंट्रीज आई थिंक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ कैनेडा की i think in canada um, the alternative um, uh, of uh, um, uh, tobacco uh, smoking came into uh, existence and what they allowed was everything, and under, everything under the sun. people who were smoking, they started using the vapes <laughs> and again other products. जिससे उसके हार्मफुल इफेक्ट में तो कमी आई बिकॉज लेकिन उसके फ्लेवर्ड होने पे, उसके डिफरेंट फ्लेवर होने की वजह से यूथ के अंदर एक ट्रेंड आना शुरू हो गया कि दे इंस्टेट ऑफ स्मोकिंग दे स्टार्टेड पिकिंग अप अपल्टरनेटिव मैथड विच वॉज वेपिंग एट दैट टाइम एंड देन कंट्रीज लाइक कैनेडा एक्चुअली पुट अ बैन ऑन की इन फ्लेवर्ड ना करें ताकि लोग एक प्रॉब्लम से निकल के दूसरी प्रॉब्लम में ना चल जाए जिसके बाद में प्रॉब्लम पड़े इसी तरीके से अगर आप सिस्टमेटिकली इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें और मेथोलॉजिकली उसको लॉन्च करें कि पीपल हु आर स्मोकिंग कैन यूज इट टू रिड्यूस द हार्म प्रॉब्ली प्रोडक्ट वही होगा इंडिया ने ऑब्वियसली दे आर री एवेलुएटिंग एज वेल बट दे लुक टेट एट डिफरेंट पेज उन्होंने कहा कि जी हमें टबोको को कंप्लीट खत्म करना है सिर्फ हमें ऑल्टरनेटिव नहीं देना बट सिविलाइज देखो इफ यू लुक अबाउट इट वॉज नॉट वन कंट्री फोर फाइव कंट्रीज का डेटा हमारे पास है इंक्लूडिंग जापान है स्वीडन है दीज कंट्रीज एक्चुअली इंप्लीमेंटेड इन राइट वे इन विच द पीपल हुर स्मोकिंग वर गिवन ऑप्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज एंड इन्वेस्टिगेशन वॉज अवेयरनेस वॉज मोर लॉन्च एंड इन दैट एक्चुअली रिजल्टेड इन डिक्रीज इन स्मोकिंग प्रॉब्लम विद इंडियन मॉडल इज कि अगर आप ऑल्टरनेटिव स्मोकिंग का नहीं देते हाँ आज से 20 साल 25 साल 30 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके ये लोग स्मोकिंग छोड़ देंगे आहिस्ता करके प्रॉब्लम खत्म होना शुरू हो जाएगी प्रॉब्लम तो आज का है ना तो जो लोग आज के दिन स्मोकिंग हैजिट्स की वजह से मर रहे हैं उनका हमने किस तरह करना है टेकिंग अप स्मोकिंग इज वन प्रॉब्लम जो कि अमूमन वेपिंग में बाजा भर जाती है बिकॉज एक्सेसिबिलिटी भर जाती है लेकिन पीपल हु स्मोक ऑलरेडी उनको तो ऑल्टरनेटिव को चाहिए ना एंड अगेन वी नो कि कोई चीज भी एटलीस्ट अप्रिशिएबली एप, एप, कंप्लीटली हार्मलेस नहीं हो सकती लेकिन स्मोकिंग के अंदर वी एटलीस्ट हमारा इनिशियल डेटा यही है कि स्मोकिंग के जो मल्टी फैक्टोरियन इफ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन गिव यू द थ्री डिफरेंट वेज हाउ स्मोकिंग कैन बी वो जब आप बाकी ऑल्टरनेटिव से बच जाते हो तो उनमें वो हार्मफुल इफेक्ट नहीं आते एंड अगेन वी कैन गेट बेनिफिट ऑफ नॉट यूजिंग दैट प्रोडक्ट वर्सेज सम अदर प्रोडक्ट विच कैन रिड्यूस द हार्म और कॉन्सेप्ट भी इसमें यही है कि रिड्यूस द हार्म नॉट कंप्लीटली वी के नॉट कंप्लीटली इलिमिनेट आई विश वी कुड डू समथिंग टू कंप्लीटली

क्या आप उनको रैंक कर सकते हैं मिसाल के तौर पे सबसे हार्मफुल अगर सिगरेट है तो उसके बाद सबसे हार्मफुल आई डोंट नो नोरल पाउचेस या क्या है ये क्या है और लीस्ट हार्मफुल हीटेड है इस तरह करके एक रैंकिंग सिस्टम आप दे सकते हैं ताकि हमें भी आइडिया हो ओके okay. तो so, पहला सवाल आपका जो है वो बहुत आई थिंक हम लोग रियलाइज नहीं करते सो जस्ट कंसिडर यूर सेल्फ अब एज पर्फेंग सिगरेट जो इंपॉर्टेंट बात है um, जब आप सिगरेट को आग लगाते हो मतलब यू स्मोकिंग अ सिगरेट आप क्या कर रहे हो एक पेपर बर्न कर रहे हो अंदर टोबैको बर्न कर रहे हो जब किसी चीज में आग लगती है तो ऑनेस्टी एवरी दैट एंड हार्मफुल एलिमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड आपने क्या किया हुआ होता है कि अब मॉडर्न सिगरेट्स में पीछे एक फिल्टर लगा हुआ होता है आप उसमें से कोशिश करते हो कि जितनी भी हार्मफुल टॉक्सेंस है उसमें से ज्यादातर रुक जाए नंबर वन ये कंप्लीटली रोकती नहीं है आई थिंक वन शुड बी वेरी क्लियर कि जो आप स्मोक अंदर लेके जा रहे हो उसमें अपने साइड इफेक्ट है अपने नुकसान है <laughs> दूसरी बात जब आप उसको बर्न कर रहे हो तो कुछ स्मोक तो वैसे भी ऊपर जा रही है ना जो पेपर का बर्न भी है वो भी और अगर आप रियलिस्टिकली देखो आप ब्रीथ तो वही एयर कर रहे हो ना जिसके अंदर आप जिसमें स्मोक कर रहे हो तो आफ्टर बर्निंग इट योर इनहेलिंग इज एज वेल नंबर टू हो गया नंबर थ्री यू आर एक्सहेलिंग इट सो जो आप सिगरेट का पफ लेके एक्सहेल करते हो जो धुआं निकलता है उसमें भी तो टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं सो पीपल अराउंड यू आर यू आर गेटिंग अफेक्टेड बाय द स्मोक दैट आर हैविंग plus the burning of this uh, paper which you are um, actually uh, breathing in the environment and the third is the smoke that you uh, uh, exhale that also remains in your system and you can technically inhale it down the road. So, we do protected field, but there are other ways we are continuing to inhale the toxins and this, um, um, uh, the products which are formed after burning a cigarette. So, that's very important for you to know and again.

निकोटीन को मिक्स करके यू इनहेल इट दे डोंट बर्न दे डोंट कॉड बेसिकली वो स्टीम के फॉर्म में आपके निकोटीन आती है वो वो बेसिकली आप इनहेल करते हो निकले वो जो धुआं निकलता हुआ नजर आता है दैट्स मोस्टली स्टीम ऑफ इट उसकी जो मैंने दो कंपोनेंट बताए थे टोबैको अब्यूज के जिसमें आपको बर्निंग होती है वो उसमें कॉम्पोनेंट नहीं होते

you can reduce the side effects of burning a paper and tobacco up to 60 to 70 percent if you use alternative that 60 to 70 percent will translate into lesser harmful use of um, the nicotine आपनेिक किया gums um, इस मौके पे एक इम्पॉर्टेंट बात आई टू एड्रेस इज के अनफॉर्चुनेटली निकोटीन पैचेज और गम्स इसलिए uh, 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 कामयाब ज्यादा नहीं होती कि उसमें स्मोकिंग में दो चीजें इन्वॉल्व uh, होती हैं एक दट निकोटीन इन लेकिन अगर आप वो करें तो आप इस बात को रियलाइज कर सकते हैं अदर थिंग इज जस्ट द पफ ऑफ इट समथिंग दैट यू कीप इन हैंड एंड देन यू यूज इट सो इट्स 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 आल्सो इन हैबिट दैट यू नीड टू तरह नेल बाइटिंग हैबिट है जिसना जिस तरह लोग अपने भवों को चिब वो भी है। ये स्मोकिंग का भी दूसरा कॉम्पोनेंट वो होता है तो अनफॉर्चुनेटली

एज मच एज़ इट्स वो जो इनलिंग का प्रोसेस है जब मुझे कोई कहता है यार आप निकेटिंग गम या पैच लगा लो मैं उन्हें यही कहता हूँ देखो वो पूरी एक दुनिया है जो मैं बैठता हूँ लोन माई थाट्स और सिगरेट पीता हूँ और इन्हील करता हूँ और वो फ्रेंड्स का का एक एपिसोड जिसमें चैंडलर एक, एक दफ़ा एक, एक बात कहता है बहुत मशहूर है कि इट्स इट्स लाइक द थिंग मिसिंग इन योर हैंड तो आपने बिल्कुल बात सही की कि वो भी तो एक पूरा यू नो फेज़ है विच इज़ वाई पीपल इवन लाइक आई थिंक द हीटेड टबैको बिकॉज इट गिवस दिम दैट फीलिंग अच्छा बैक टू uh, मैं मैं प्रोपगेट नहीं कर रहा मैं बस आपको अपने मसले बता रहा हूँ बट बैक टू द फीलिंग ऑफ सॉरी बैक टू द रिसर्च वन इट कम्स टू द टबैको प्रोडक्ट्स मेरा सवाल यह है कि ये एफ डी ए अप्रूवल एक चीज़ होती है हम बड़ा सुनने में आता है पाकिस्तान में कि बड़ा ज़रूरी है ऐसा है वैसा है ये जो स्टडी है ये स्टडी एग्जैक्टली exactly मुझे समझ आती है किसी ब्रिटिश इनिशिएटिव uh, uh, है आप मुझे बता सकते हैं ये स्टडी कितने डॉक्टर्स ने की किसने की और ये स्टडी होती कैसे सो ऑनेस्टली स्पीकिंग द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड इज़ वेरी रेलेवेंट इन मेनी वेज एक्चुअली वजह ये होती है कि किसी चीज़ के भी अप्रूवल और डिसअप्रूवल के यूज में हमें ये पता चलता है कि कितनी इसके पीछे क्लिनिकल रिसर्च हुई भी है ऑब्वियसली

मैं साइंस पे ज्यादा यकीन रखता हूँ भाई इसके के ऊपर मेरी कोई मेरी कोई राय हो किसी बारे में लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई हुई होती थोड़ी सी आपको उसमें स्पेकुलेशन और थोड़ी सी उसमें आपको इनोवेशन लानी पड़ती है और उसी बेसिस पे रिसर्च होती है और उसी बेसिस पे मैं एग्जांपल देता हूँ स्वीडन ने ऑल्टरनेटिव टोबैको रिडक्शन के लिए आ, इन, इन, आ, इन्वेस्ट किया उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट को किया एक्चुअली उसके पीछे बहुत ज्यादा साइंस नहीं थी दे फाउंड आउट दैट बर्निंग अ टोबैको इज मोर हार्मफुल देन यूजिंग अल्टरनेटिव उसका फायदा क्या हुआ उसके रिजल्ट्स बेहतर आए उसकी इंसिडेंस कम हुआ उससे मोर्टेलिटी कम हुई इसी तरह जापान में ये किया गया इट वाज सक्सेसफुल मॉडल इसी तरीके से हमारा ये वाला मॉडल भी जो है इट्स नॉट बेस्ड आउट ऑफ अ क्लिनिकल रेंडमाइज ट्रायल अगर आप अगेन अगेन आपने किसी ना किसी सब्जेक्ट में अगर रिसर्च की, की भी हो आपको पता होगा कि रेंडोमाइज क्लिनिकल ट्रायल होते हैं कि आप एक बंदे को एक काम कहते हैं दूसरे बंदे को

किसी तरीके से टोबैको क्योंकि हमारा एक फॉर्म में टोबैको यूज नहीं होता मतलब हर जगह में साउथ अफ्रीका डिफरेंट तरीके से होता है हमारा तो च्यू भी किया जाता है खाया भी जाता है हमारा स्मोक भी किया जाता है हमारी तो मतलब होल एरे ऑफ सो फोकस इज कि जस्ट में अगर अपनी पाकिस्तान पॉपुलेशन में देखूं तो अगर हम सिर्फ ऑल्टरनेटिव देना शुरू करने और यही हमने इसमें किया हुआ है बेस्ड ऑन द नंबर्स वी हैव फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब We can reduce the risk of um, uh, um, effects of um, cancer by reduce, by asking them to use, start choosing other alternatives. And we that if awareness towards lung cancer, will help. Milegi. So, this is not a randomized clinical trial in which we are comparing two or three groups and then coming up with conclusion. This is an compilation of the knowledge we have and experts from all these four countries and extrapolating that data to the regional uh, information. गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को लेकर क्या कर सकती है और अभी क्या रोल प्ले करती है हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वाला सवाल है ये बेसिकली हम थ्रू आउट आर कन्वर्सेशन एड्रेस भी कर सकते हैं डिफरेंट लेवल्स मैं उसको ईजी करने के लिए जस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स इनक्रीज अवेयरनेस to in, by increasing the um, uh, um, alternatives to how to you can smoke uh, how can you quit and also increase the awareness of the lung cancer

मैं आपसे और ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा दिस दिज माई लास्ट क्वेश्चन एंड एंड देन देन आई लेट गो सर मैं अगर एक स्मोकर हूँ um, जो हूँ <laughs> तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि शुड आई लुक आउट फॉर सम साइंस और शुड आई जस्ट गो गेट अ टेस्ट डन एवरी पीरियॉटिकली तीन चार साल में एक दफ़ा करा लिया या ऐसा होना चाहिए कि यार अच्छा अगर चेस्ट में टाइटनेस फील हो रही है क्योंकि मतलब हमें तो ये भी नहीं पता ना कि वॉट आर द साइंस के कुछ गड़बड़ है आपने अभी बात की अर्ली डिटेक्शन की uh, जिस तरह मेरी वालदा को भी कैंसर था वी वर लकी इनफ टू डिटेक्ट इट अर्ली लेकिन अगेन शी हैड गॉन फॉर अ अ अ रूटीन टेस्ट होल किस्मत का एंगल इन दैट केस लेकिन मेरे केस में अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ मुझसे नहीं छोड़ी जा रही कोई पर्टिकुलर साइंस हैं दैट आई यू शूड लुक आउट फॉर केयर अगर ये तुम्हें फील हो रहा हो ना तो डॉक्टर के पास जाओ सो so अगेन आपने सवाल पूछ के खुद अपने आप को फंसा दिया एनालता जो हुआ है एंड द रीज़न इज़ आइडियली इन एन आइडियल वर्ल्ड आई वुड वॉन्ट कि आप जब मुझे नेक्स्ट टाइम बात करें जब हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट हो उसमें आप कहें डॉक्टर बास आई लिसन टू यू मैंने स्मोकिंग को पहले मैंने सेफर मेथड इस्तेमाल किए जिसमें मैंने उसमें वो चीजें इस्तेमाल की जिससे मुझे स्मोकिंग um, छोड़ने में हेल्प मिली आता आता करके मैंने स्मोकिंग छोड़ी और फिर मैंने अब स्मोकिंग फ्री हूं और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ रही स्मोकिंग करने के अंदर अब मैं स्मोकिंग करने का दिल भी नहीं करता और मैंने अब स्मोकिंग छोड़ दी है सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूर क्वेश्चन सेकेंड पार्ट ऑफ यूर क्वेश्चन इज के अगर आपको इसमें अनफॉर्चुनेटली लंग कैंसर इज ए सिम्टोमेटिक इन इनिशियल फेज ऑफ इट बट देस कुछ क्रॉनिक कॉफ हो रही है क्रॉनिक um, आपको uh, कोई आपके स्प्यूटम ज़्यादा आ रहा है या ब्लड स्प्यूटम में ब्लड आ रहा है तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको आपको um, आपको इन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के आपको um, जब आप इसको बाय द टाइम यू यू रियलाइज इफ यू हैव क्लियर कट सिम्टम्स जब तक बहुत देर हो चुकी होती है कि आपको डायग्नोज हो तो अगेन स्क्रीनिंग विद ए सिंपल चेस्ट एक्सरे इज वेरी गुड बट Quitting smoking is the most important and pivotal part of what you need to do. And I think this is where we, I would like to stop and back to you. <laughs> Achha, sir. Uh, iska to you're right. Inshallah, agli to when uh, we do our second podcast, hopefully, at least. टोबैको यू नो अगर कम्प्लीटली नहीं छोड़ी हुई होगी तो एटलीस्ट तो कोई लेस हार्मफुल सोल्यूशन की तरफ तो जाने की कोशिश करेंगे बट ही um, तो आज फोन से थैंक यू सो मच फॉर बींग ऑन द पॉडकास्ट बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इफ यू इंजॉय आयोर कॉन्टेंट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वो सी यू फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट